अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर हुमा तनवीर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर समर पैक ऑफ क्लास 4 एंड वी हैव पेज नंबर 53। ऑन दिस पेज वी हैव अ स्टेटमेंट, पेस्ट और ड्रॉपिस्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म अ फूड चेन एज शोन इन एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को पेस्ट करना है या फिर ड्रॉ करना है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि फूड चेन की हमने एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, और हमने फूड चेन को कंप्लीट करना। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है, प्लांट है, प्लांट को लेडी बग ने खाया, लेडी बग को रैट ने, रैट को स्नेक ने, स्नेक ने और फिर स्नेक को वल्चर ने, ठीक है। हमने यहाँ पे इससे डिफरेंट कुछ बनाना है, ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बनाऊँगी, ठीक है, आपने अच्छे से इसको चेक करना है कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे पहले बनाती हूँ एक बॉक्स, ठीक है जी। आपने इनमें कलरिंग भी डन करनी है, ठीक है, आपकी मर्जी। आपको पता है सॉइल का कलर कौन सा होता है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों का कलर कौन सा होता है। यहाँ पे मैंने पेंसिल से इसको कलर आउट किया है, ठीक है। ये है जी सॉइल, सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन यूज़ करता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कौन यूज़ करता है, आप गेस करें। मैं इतने में इसके ऊपर एक बॉक्स बनाऊंगी और उसमें मैं ड्रॉ करूंगी कि कौन सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है जी। तो आप गेस करें इतने में, कुछ समझ आई मैं क्या बना रही हूँ? हुआ क्लियर कुछ? चलें अभी फिर हो जाता है अगर नहीं हुआ तो। कुछ हुआ क्लियर स्टूडेंट्स? जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, उनको जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने ये दो प्लांट्स छोटे छोटे बनाया, तो इसका मतलब है जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज़ किया प्लांट्स ने, ठीक है। अब प्लांट्स कौन खाता है, आप लोग गेस करें, मैं ड्रॉ करती हूँ। गेस करें मैं ये क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, आप गेस्ट करें मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। कुछ अंदाज़ा हुआ? जी ये मैंने एक टाइप का इंसेक्ट ड्रॉ किया है, ठीक है, तो प्लांट्स को इंसेक्ट ईट करते हैं और इंसेक्ट को कौन ईट करता है, क्या आप जानते हैं इंसेक्ट को कौन ईट करता है? इंसेक्ट को ईट करता है स्नेक, ठीक है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो है फूड चेन बनाने की कोशिश की है, आपने भी कोशिश करनी है लाजमी, ठीक है, और आपने इनमें अच्छी सी कलरिंग डन करनी है ताकि क्लियर हो जाए और आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो, ठीक है, डायग्राम भी आपकी अच्छी हो। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी फूड चेन ड्रॉ की जी, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी जो है ड्रॉ कर ली है फूड चेन। सॉइल न्यूट्रिएंट्स को खाया प्लांट्स ने, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया स्नेक ने, ठीक है। अब मैं इनमें कलर्स को डन करूँगी जी, तो मैंने इनमें कलर्स को भी डन कर लिया, ठीक है। आपने इसी तरह की एक छोटी सी फूड चेन बनानी है जो आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 54। ऑन दिस पेज वी हैव जर्मिनेशन इन सीड्स, हमने सीड को जर्मिनेट करवाना है, एक प्लांट को ग्रो करवाना है, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट।
On page number 55, we have a procedure for germination of seed. Okay. Start, grow a monocot and dicot seed, wheat and peas, as shown below. Observe their progress for 1 month and note the changes. आपने wheat and peas को grow करवाना है, ठीक है? नीचे procedure लिखा हुआ है उसके according. Place cotton in a glass dish or container and place seeds on it. आपने cotton लेनी है, उसको glass की dish में या किसी container में रख देना है और उसके अंदर डाल देने हैं seeds. Cover with another layer of cotton and spray water on them every day. एक और cotton की layer लेके उसके ऊपर रख देनी है seeds के ऊपर और उसको डेली आपने वाटर के साथ स्प्रे करते रहना, ठीक है? मीन्स टू से वाटर देते रहना. ऑब्जर्व एंड नोट डाउन देयर ग्रोथ. आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, आपने वो ग्रोथ नोट करनी है, ठीक है? पूरा मंथ आपने उसकी ग्रोथ नोट करना है और लिखते जाना है. लिखना आपने कहाँ है? हमारे पास है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56. इसके ऊपर आप देख सकते हैं आपके पास मोनोकॉट डाइकॉट टू बॉक्सेस बने और यहाँ डेज मेंशन है, ठीक है? 30 तक, 30 डेज मींस 1 मंथ. आपने जितनी मोनोकॉट प्लांट की ग्रोथ हुई आपने इसमें लिखनी है, जितनी डाइकॉट की हुई आपने इस बॉक्स में लिखनी है. आपने इनको फिलअप करना है पूरे 1 मंथ तक. फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि फर्स्ट डे कितनी उनकी ग्रोथ थी और 30th डे कितनी ग्रोथ हुई, ठीक है? ये पेजेस आपने इस तरह से डन करने हैं. होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ओके, तो आप अपनी इस एक्टिविटी को आज से ही स्टार्ट कीजिएगा. थैंक यू.